नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजे। नीमच शहर के दशहरा मैदान में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय द्वारा लगातार देखा जा रहा था, वहां पर ट्रांसपोर्ट का अड्डा बनाया जा रहा था, भारी वाहनों को प्रवेश किया जा रहा था। इसकी शिकायत लगातार जो पुलिस कप्तान के पास पहुंची थी, वहां के रहवासियों ने शिकायत कर दी। इसके बाद में आज ट्रैफिक विभाग और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते, आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट दशहरा मैदान में जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय द्वारा वहाँ पर दो ट्रक खड़े करे थे, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का अड्डा बना हुआ था, लोग हादसे का शिकार होते थे। इसको लेकर लगातार राहगीरों में डर बना रहता, क्योंकि ट्रकों की आवाजाही जो है लगातार दशहरा मैदान में होती थी। लगातार मीडिया इस मुद्दे को भी उठा रही थी, शिकायतकर्ताओं की शिकायत के बाद में आज वहां पर ट्रैफिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। यातायात हमले के साथ में परिवहन विभाग के जो बाबू हैं सुमित चौहान भी वहां मौके पर पहुंचे, दोनों ट्रकों को जब्त कर यहां थाने यातायात थाने लाया गया। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट संचालकों को समझाइश दी गई कि आगामी दिनों में अगर दोबारा भारी वाहन वहां प्रवेश करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दो तीन ट्रक ऐसे हैं जो काफी समय से खड़े हैं, उनको भी समझाइश दी गई, वो बंद है, उनको भी वहां से हटाया जाएगा और टोचन कर थाने भी लाया जाएगा। बता दें कि शहर की बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर आज एसपी के निर्देशों पर कार्रवाई करेगी। साथ ही शिकायतकर्ता भी लगातार शिकायत कर रहे थे और मीडिया में भी मामला सुर्खियों में आ रहा था। इसको लेकर आज ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को समझाई देते हुए दो ट्रकों को जब्त किया गया। अब देखना होगा लगातार ट्रांसपोर्ट व्यवसाय वहां पर अड्डा बनाए हुए, इसको लेकर क्या प्रशासन इन पर अंकुश लगा पाएगा, या फिर ऐसे ही है फिर दो दिन बाद वही पुराने ट्रांसपोर्ट अड्डा वहीं बनाते हुए दिखाई देंगे।